स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट सेकंड। आज हम एनिमल्स के द्वारा जो बाय प्रोडक्ट निकलता है फीसेस या गोबर, गोबर गैस प्लांट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। गोबर से जो खाद तैयार होती है FOIM, हम देसी तरीके से खाद तैयार करते हैं, लेकिन अगर उस गोबर के द्वारा बायोगैस प्लांट लगाया जाए, जिसको हम साधारण भाषा में गोबर गैस प्लांट बोलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा साबित होगा। एक तो इससे बनने वाली FOIM फार्म यार्ड मैन्योर बहुत अच्छी होगी, दूसरा हम इसका सही उपयोग भी कर सकते हैं, जिसको आजकल बायो CNG के नाम से जाना जाता है। गाय भैंस के साथ साथ में दूसरे जो चीज़ें हैं, फड़ी गली चीज़ें, उसको भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो गोबर गैस प्लांट से जो गैस निकलती है बायो CNG को बोलते हैं, इसका अपन कई जगह उपयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ा तो आप अपना खाना पकाने में इसका उपयोग हो जाता है, क्योंकि धुआं वगैरह जो की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखने में आया कि जैसे एक रिकॉर्ड देखा गया कि कानपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश कानपुर में जो एक गोबर गैस प्लांट लगा के इसको ये साबित किया गया कि गोबर गैस प्लांट फार्म लगा के अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। जो शहर में जो जितने भी भैंस पालक या गाय पालने वाले हैं, वो अगर इस गोबर को इकट्ठा करके गोबर की नाली बना करके और उसको सीधा गोबर गैस प्लांट में पहुंचा करके पानी और जो कचरा बचता है, यानी जिसको गाय या भैंस रिफ्यूजल बोलते हैं, उसको मिला करके अपन गोबर गैस प्लांट लगा सकते हैं। तो गोबर गैस प्लांट से हमें ये गैस जो इतना फ़ायदा देती है कि आप वंडर करेंगे कि आपका दूध प्रोडक्शन के साथ साथ में अपने आप ही इसकी जो पशुओं को चारे और दाने की लागत है, उसका कंपनसेशन मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा। अभी जैसे जो अपन गैस मंगाते हैं 600-700 रुपये सिलेंडर आता है, उस सिलेंडर की बजाय आप इसको 600-700 रुपये महीने का गोबर गैस से निकलने वाले गैस से उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस गैस के अंदर से आप उजाले के लिए या और किसी भी चीज़ के अंदर काम में लेकर के यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में क्या होगा, ये गोबर गैस प्लांट आपका हमेशा के लिए, एक बार शुरू में खर्च सरकार देती है, उससे आप अपना एक बार गोबर गैस प्लांट लगाया और उससे हमेशा के लिए आप ये कर सकते हैं। केवल इसमें थोड़ी मच्छर की, मॉस्किटो की प्रॉब्लम होती है, तो उससे बचने के लिए आप नीम का धुआं करें या नीम का तेल और अन्य चीज़ें लगा करके आप इस मच्छरों से निजात पा सकते हैं, लेकिन गोबर गैस का कोई भी और साइड इफेक्ट नहीं है। इस गैस को यहाँ तक भी गोबर गैस CNG के नाम से गवर्नमेंट की तरफ से सिलेंडर में भर के और फैक्ट्री में सप्लाई की भी सुविधा दी जा रही है। ये प्रयोग अभी अब कानपुर में चल रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी में गोबर गैस प्लांट लगा करके उसको सिलेंडर में भर के गोबर गैस CNG के नाम से बेचा जा रहा है, जो काफ़ी अच्छा धंधा साबित हो रहा है, इससे फार्मर को आगे जाके फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।